देखे गाइस, यहाँ पर मैंने उड़द की दाल ली है एक कटोरी बिना छिलके वाली, और उसके बाद एक चम्मच मैंने बड़ा चम्मच मेथी दाना लिया है, वो भिगोने के लिए डाल दिया था सुबह ही, और ये दाल भी सुबह ही भिगोने के लिए डाल दी थी। ये एक कटोरी दाल है, और उसके बाद यहाँ पर चावल है तो वो है 3 कटोरी। तो मेजरमेंट आपको इसी तरह से लेना है, 3 कटोरी अगर आप चावल लेते हो तो 1 कटोरी दाल लेनी है आपको, और 1 चम्मच आपको मेथी दाना लेना है बड़ा चम्मच। जो चम्मच मैंने आपको दिखाया उस चम्मच से 1 चम्मच मेथी दाना लिया था मैंने, और इसको सुबह ही भिगोने के लिए डाल दिया था। अभी मैं रात को इसको पीसूंगी। क्या अगर आप सुबह भिगोने के लिए डालते हो तो रात को पीसना, अगर रात को भिगोने के लिए डालते हो तो सुबह पीसना। और फिर सुबह मैंने भिगोने के लिए डाला था, रात को पीसा था, तो मैं इसे सुबह बनाऊंगी दूसरे दिन। तो अभी यहाँ पर पीस लूँगी मैं सबसे पहले दाल। दाल अपने पीस लेने के बाद, और हाँ, जब भी दाल पीसते हो या चावल पीसते हो तो आपको इतना फाइन पेस्ट करना है उसका कि बहुत ही चिकना पेस्ट करना है उसका, मतलब दरदरा पेस्ट नहीं रखना है आपको। बहुत लोगों की थिंकिंग होती है कि दरदरा रखना है, तो दरदरा बिल्कुल नहीं रखना है, बहुत ही चिकना बनाना है पेस्ट को आपको। और इस तरह से आपको पीस लेना है सारी चीज़ों को। पहले मैं दाल पीस लूँगी अच्छे से, और उसमें मैंने मेथी दाना ऐड कर दिया था दाल में। तो इस तरह से मतलब दाल में पीस लूँगी, और उसके बाद मैं चावल पीसूँगी। चावल भी आपको उसी तरह से पीसने हैं, एकदम चिकनी पेस्ट बनानी है चावल की भी। और आप देख सकते हो किस तरह से मैंने पेस्ट बनाई है इसकी भी, तो बिल्कुल आपको आलस नहीं करना है इस पेस्ट को बनाने में। इसी पेस्ट पे डिपेंड है आपकी इडली का फूलना। और उसके बाद मैं कौन सा इन्ग्रीडियंट्स में ऐड करने वाली हूँ वो भी मैं आपको बाद में बता दूँगी कि क्या उसमें ऐड करना है, जिससे आपकी इडलियाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी बन जाएगी। और वो भी अगर आप विंटर में भी बनाते हो तो भी आपकी इडली जो है वो स्पंजी ही बनेगी। बिल्कुल आपको उसमें सोडा या इनो वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने पहला पेस्ट बना लिया है चावल का भी, और उसके बाद जो बचा हुआ चावल है उसमें आपको कुछ मिक्स करना है। तो उसमें आपको करना है मिक्स चावल, तो जो मतलब आप चावल खाते हो पका हुआ चावल, वो आपको बड़े 1 चम्मच मिक्स करना है उसमें। इसके क्वांटिटी के लिए, इतनी क्वांटिटी के लिए आपको 1 चम्मच बड़ा चावल मिक्स करना है, और उसके बाद उसे पीस लेना है। उसका भी अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेना है आपको, और इसको पीसने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके रखना है आपको दोनों तीनों चीज़ों को। तो अच्छे से इसका भी पेस्ट बन गया है, फाइन पेस्ट बन गया है, और इसे भी मैं अच्छे से अभी साथ में मिक्स कर लूँगी। और सारी चीज़ों को आपको मिला लेना है अच्छे से, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं जो आपने पेस्ट बना के रखी है, तो वो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। सारी चीज़ें मिल जाए मतलब अच्छे से आपका पेस्ट रेडी हो जाए, उसके बाद आपको उसमें ऐड करना है नमक। थोड़ा सा ही नमक उसमें ऐड करना है, क्योंकि दूसरे दिन हमें थोड़ा सा नमक ऐड करना पड़ेगा, तो इसी वजह से थोड़ा सा ही नमक उसमें ऐड करना है आपको। और उसके बाद आपको दूसरे दिन जब आप इडली बनाओगे तो उसके बाद आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है नमक ऐड करना पड़ेगा, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा ही नमक इसमें ऐड करना है। और इसको ना, ये जो आपने पेस्ट बना के रखा है इसे आपको गर्म जगह पे रखना है, इसे आपको अभी गर्म जगह पे रखना है। जो भी आपके घर में गर्म जगह हो वहाँ पर आप इसे रख सकते हो, और ये अच्छे से मतलब फूल जाएगा, इससे दुगना पेस्ट ये बन जाएगा दूसरे दिन। अगर आपका पतीले में नहीं रखने का मन है तो आप कुकर में भी रख सकते हो, उसका भी ढक्कन टाइट रहता है, उससे भी आपका जो पेस्ट है इडली का वो अच्छे से फूल के आएगा। तो यहाँ पर मेरा दूसरे दिन आप देख सकते हो कितना अच्छे से फूला है, और इससे ना इडली अच्छे से सॉफ्ट बनेगी आपकी। बिल्कुल अभी इनो या आपको कोई भी सोडा वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, सिर्फ आपको थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है। और अभी ये गाढ़ा पेस्ट दिख रहा है मुझे, तो थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी इसमें, ताकि ये थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी पतली हो जाए, मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है आपको, और या ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। ज़्यादा गाढ़ा भी रखोगे आप तो आपकी इडली नहीं बनेगी अच्छे से, सॉफ्ट नहीं बनेगी। और अगर ज़्यादा पतला भी हो जाए आपका पेस्ट, तो उससे भी आपकी इडली फूलेगी नहीं, मतलब ज़्यादा पतला होगी तो आपकी इडली बिल्कुल नहीं फूलेगी, हाँ, और सॉफ्ट होने की बात दूर ही है। तो इसी वजह से आपको कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है, बिल्कुल ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, मीडियम बनाना है आपको। और यहाँ पर मैं जो मेरा स्टैंड है इडली का, उसे मैं ग्रीस कर रही हूँ, अच्छे से तेल लगा लेना है आपको, मतलब अच्छे से लगाना है तेल को, ताकि वो चिपके ना आपकी इडली, कोई भी इडली आपकी चिपके ना, तो अच्छे से तेल लगा लेना है।
उसके बाद आपको उसमें इडली का बैटर डाल देना है, और इससे ना आपकी इडली काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी और काफ़ी अच्छे से फूलेंगी भी। तो यहाँ पर मैंने पहले पानी भी रख दिया था इडली के स्टैंड में, मतलब थोड़ा सा वो बॉईल हो रहा था, तो तब तक मैं यहाँ पर ग्रीसिंग कर रही थी, और उसके बाद यहाँ पर बैटर जो है वो ऐड कर रही हूँ। जब तक आप ये सारे काम करते हो, मतलब बैटर ऐड करते हो, ग्रीसिंग करते हो, तब तक आपका जो पानी है वो बॉईल हो जाएगा उधर, और जल्दी से आपकी जो इडली है वो रेडी हो जाएगी, मतलब स्टीम जल्दी आएगी उससे। तो इस तरह से मतलब टाइम का टाइम भी बच जाएगा। तो इस तरह से मैं सारे इडली के जो स्टैंड है उसमें डाल दूँगी, और उसके बाद उसे अच्छे से रख दूँगी इडली के पॉट में। यहाँ पर हम लोग लीड निकाल के देखेंगे कि हमारी इडली बनी है या नहीं बनी है। तो यहाँ पर इडली जो है वो बन चुकी थी, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्पॉन्जी बनी है इडली, और मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ उसके बाद। तो यहाँ पर देखिए कितनी इजीली निकल भी रही है, और आप देखिए दबाने से कितनी ज़्यादा मतलब गड्ढा बन रहा है दबाने से, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्पॉन्जी बनी है। तो इसी तरह से अगर आप बनाते हो इडली, तो बिल्कुल आपको कोई भी ऐड करने की, कुछ भी ऐड करने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। और इसी का आप, यही बैटर का ना आप डोसा भी बना सकते हो, डोसा भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और बिल्कुल चिपकेगा नहीं आपका डोसा, इसी बैटर से अगर आप डोसा बनाओगे तो। और इडली देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है इडली, और टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है इस वाले इडली का। तो आप ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसे बनी है इडली। तो आई होप गाइज आपको ये इडली की रेसिपी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियो इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी रेसिपी।